Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Student Dhyande, a new foundation course at SPMIS Academy starting on upcoming 29th April 2022. तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द कांटेक्ट डिटेल्स गिवन हियर दिस टॉप दिस इज़ द लिस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टूडेज़ न्यूज़ पेपर एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट वीट एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जी पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए करेंट कॉन्टेक्ट समझते हैं इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं खासकर अगर वीट की बात की जाए तो वीट के प्राइसेस 100 परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल मार्च 2021 में इंटरनेशनल प्राइस ऑफ वीट की बात की जाए तो इट वाज समवेयर क्लोज टू 273 डॉलर्स पर टन अब वो मार्च 2022 में वो बढ़ करके फोर डॉलर पर टन हो गया है अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी हमने ये जो रेड कलर से जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स ग्लोबल वीट प्राइस तो अब देखिए ग्लोबल वीट प्राइस कुछ पिछले कुछ महीनों में किस तरह से सर्च करके ऊपर गया है और ये ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है वो है एम एस पी जो फार्मर्स को मिलता है वेंदे सेल देयर प्रोड्यूस और वीट टू एफ सी आई इन आ मंडी तो एम एस पी तो धीरे धीरे इंक्रीज हो ही रहा है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसिस सब्सटैंशियली इंक्रीज हुए इन लास्ट फ्यू मंथ्स और ये जो स्टीप राइज हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में फूड प्राइस का उसके पीछे मुख्य कारण है रशिया और यूक्रेन का वॉर जिसके कारण से इंटरनेशनल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया है और अब इसका फ़ायदा इंटरनेशनल मार्केट में वीट प्राइस बढ़ रहा है और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अ रिकॉर्ड और और अ टारगेट फॉर अ रिकॉर्ड 10 मिलियन टन्स रिकॉर्ड 10 मिलियन टनस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज तक 10 मिलियन टन्स ऑफ वीट हमने कभी पिछले सालों में कभी एक्सपोर्ट किया नहीं है भारत सरकार ने इस बार टारगेट रखा है 10 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करने का इन द ईयर 2022-23। तो इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और उसी का फ़ायदा उठाने के लिए 10 मिलियन टन ऑफ वीट हम एक्सपोर्ट करके कुछ फॉरेक्स रिजर्व कमाने की कोशिश करेंगे अब जब भारत सरकार ने टारगेट रखा है दस मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करने का तो इसको लेकर के फिर कई सारी एनालिसिस हो रही है कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नुकसान हो सकता है तो देयर हैव बिन सम से रिलेटेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ वीट कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरह के आ रहे हैं कि भारत सरकार अगर एक्सपोर्ट बढ़ा देगी वीट का तो हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्यों प्रॉब्लम्स होंगी वो एक एक करके देखते हैं देखिए 2022 में वीट का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर थोड़ा कम होने वाला है और कारण उसके पीछे है इंटेंस हीट दैट वाज विटनेस्ड इन द मार्च 2022 आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि जो मार्च महीना बीता है ये काफ़ी गर्म महीना था और वैसे आसाम के अंदर तो फिर भी उतनी गर्मी नहीं थी अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव नॉर्थ इंडिया में रहते हैं पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तो उनसे आप बात करके आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर मार्च महीने में ही फोट टी प्लस तो जा ही चुका था कई सारे जगहों पे और मार्च का महीना जो होता है वो हार्वेस्ट टाइम होता है वीट का राबी क्रॉप है वीट राइट तो अभी वीट का जो क्रॉप होता है मार्च महीने में वो पकता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वीट क्रॉप इस बार बहुत ज़्यादा जूसी या आप समझिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट डेवलप नहीं हो पाया एंड दैट इज द रीज़न वाई इट इज़ बिलीव्ड कि वीट का प्रोडक्शन इस साल मार्च मही मार्च महीने में एक्सेसिव गर्मी के कारण दो हज़ार बाईस में वीट का प्रोडक्शन कम होने वाला है और वैसे हालात में अगर भारत सरकार वीट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा देगी तो हो सकता है कि हमारे देश में हमारी इकोनमी के अंदर ही वीट की ओवरऑल सप्लाई कम हो जाए और फिर प्राइसेज ऊपर चले जाएँ दूसरा इशू क्या है कि जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वीट का दैट इज़ स्लाइटली हाइयर देन एम एस पी ये नॉर्मली होता नहीं है एम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसपे भारत सरकार प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है जिस पे भारत सरकार कमिट करती है कि वो फूड ग्रेन को प्रोक्योर करेगी अगर मार्केट में वो फूड ग्रेन नहीं बिकता है तो उससे हाइयर रेट पे तो एमएसपी से मार्केट प्राइस अभी हाई चल रहा है और हाई चलना भी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड हाई है तो हमारे देश के अंदर भी डोमेस्टिक डिमांड थोड़ा हाई हो गया है क्योंकि कुछ एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिकली वीट को प्रोक्योर करके और इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं तो एम से मार्केट प्राइस हाई चल रहा है और वैसे हालात में फार्मर्स इस बार अपना वीट एफ को बेचेंगे नहीं एट एम एस पी दे विल सेल देयर वीट टू द मार्केट और उस कारण से एफ इस साल वीट को कम प्रोक्योर कर पाएगी और इस कारण से ओवरऑल एफ का बफर स्टॉक कम हो सकता है तो इन दो कारणों से माना जा रहा है कि एफ का बफर स्टॉक कम हो सकता है और ओवरऑल वीट की सप्लाई कम हो सकती है तो हमारे देश में वीट रिलेटेड इन्फ्लेशन आ सकता है वैसे ही फूड इन्फ्लेशन हाई है और वीट को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है और एफ का बफर भी कम हो सकता है आई होप अभी तक बातें क्लियर हैं मैं अभी तक समराइज कर देता हूँ जो भी मैंने बताया है भाई इंटरनेशनल मार्केट में वीट का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है उसका फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ने प्लान किया है कि 10 मिलियन टन्स ऑफ राइस को एक्सपोर्ट करेगी अब क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सर वैसे ही फूड इन्फ्लेशन हाई है आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि और महंगाई बढ़ जाए और उसके अलावा एफ को वैसे भी इस साल कम फूड ग्रेन मिलने वाला है क्योंकि एमएसपी से ज्यादा चल रहा है मार्केट प्राइस और वैसे हालात में अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि एफ का बफर स्टॉक भी कम हो जाए वैसे ही आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट कहता है कि डोमेस्टिक वीट प्राइस है ऑलरेडी गॉन अप बाई फाइव टू सेवन लेकिन अब इस आर्टिकल में और डिटेल्ड एनालिसिस की गई है कि सर देखिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर 10 मिलियन टनस वीट को एक्सपोर्ट करने का हमने फैसला कर भी लिया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रीजन बींग ऑलरेडी हमारे एफ के पास बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक है एंड दैट इज़ वाई देर इज़ नो नीड टू वरी और इंडिया को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा चला गया है और थोड़ा बहुत फॉरेक्स रिजर्व कमाना चाहिए हमारे फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर गया है तो फार्मर्स भी अपने वीट पे ज़्यादा ज़्यादा कमा सकते हैं और फिर उसके लिए इस डाग, इस डायग्राम को समझिए इस चार्ट को समझिए इंडिया की जो वीट की अगर बात की जाए तो रिक्वायर्ड स्टॉक है 74.6 लाख टन कि इतना स्टॉक होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए फूड सिक्योरिटी को मीट करने के लिए 2019 में हमारा स्टॉक था 169.92 2020 में 247, 2021 में 273, यानी कि रिक्वायरमेंट से तीन गुना से भी ज़्यादा चार गुना के आसपास लगभग और 2022 में वो थोड़ा घट करके 273 से घट करके 189 हो गया और उसके पीछे कारण है ये जो डिक्रीज हुआ है इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको याद होगा मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है कि आ, पाँच पाँच किलोग्राम फूड ग्रेन भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टू तो अबाउट एटी करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री तो उस कारण से थोड़ा बहुत बफर स्टॉक कम हुआ है लेकिन वीट का बफर स्टॉक अभी भी जो रिक्वायर्ड बफर स्टॉक है एफ के पास उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है और इससे अगर हम लोग 10 मिलियन टनस एक्सपोर्ट कर भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए ऐसे ही हालात कुछ राइस के भी हैं राइस के रिक्वायर्ड बफर स्टॉक है 135 थर्टी फाइव लैक टन्स लेकिन हमारी स्टॉक है 550 लगभग चार गुना उससे भी ज़्यादा अब एक्सेसिव बफर स्टॉक रखने के कारण भी दिक्कतें हैं आप सोचो इतना सारा बफर स्टॉक रख लिया एफ ने अब होता क्या है कि अनाज जो है परे परे वो खराब हो रहा है क्योंकि साइंटिफिक स्टोरेज मेथड है नहीं हमारे पास अब जरा समझते हैं जब ये आई होप अभी तक आपको बात ये समझ आ रही है कि ये जो भी अप्रीहेंशन लगाए जा रहे हैं कि सर इस साल वीट का सप्लाई प्रोडक्शन कम होने वाला है और वीट का एफसीआई में प्रोक्योरमेंट कम होने वाला है इस कारण से हमारे देश में कमी हो जाएगी ये अटकलें बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बफर स्टॉक है अब जरा ये समझ लेते हैं कि इतना सारा बफर स्टॉक आया कैसे क्यों इतना बफर स्टॉक हो गया हमारे देश में इसके पीछे कारण है एम एस पी एम एस पी एक बार एम एस पी रिवाइज कर लेते हैं आई होप आप सब जानते ही होंगे एम एस पी क्या चीज होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स तो होता क्या है कि मान लीजिए कि फार्मर्स ये जो सोइंग सीजन है फूड क्रॉप लगाने का वक्त है उसी टाइम में फार्मर के लिए भारत सरकार अनाउंस कर देती है कि ये जो क्रॉप आप लगा रहे हैं मान लीजिए क्रॉप ए आप लगा रहे हैं तो इस क्रॉप ए का एम एस पी है रुपीज़ फिफ्टी पर के जी मान लीजिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई ख़रीदे ना खरीदे मार्केट में पचास रुपये पर के जी में हम जरूर खरीदेंगे तो अगर मार्केट में आपका ये क्रॉप पचपन रुपये या साठ रुपये में बिक जाता है मतलब पचास रुपये से ज़्यादा में बिक जाता है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर पचास से कम रेट अगर आपको मार्केट ऑफर कर रहा है तो आपको मार्केट में बेचने की ज़रूरत नहीं आप हमारे जो एफ सी आई के आउटलेट हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आउटलेट हैं जो अलग अलग एग्रीकल्चरल मंडीज़ में होते हैं वहाँ जाकर के आप बेच दीजिए अपने क्रॉप को पचास रुपये पर के जी में तो मुद्दा यह है कि एम एस पी जो है वो एक तरीके का प्राइस इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए फार्मर्स को सोइंग के टाइम में ही अपने क्रॉप की एक तरीके की प्राइस इंश्योरेंस मिल जाती है एमएसपी जो है वो भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए अब ये जो एम का सिस्टम है नॉर्मली क्या होता है एमएसपी एक तरह का इंश्योरेंस है प्राइस इंश्योरेंस इंश्योरेंस का आप इस्तेमाल कब करते हैं जब किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी फेज में करते हैं एक्स्ट्रॉडनरी टाइम में करते हैं हर दिन तो आप इंश्योरेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना जब एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं लेकिन एम हमारे देश के अंदर एक तरीके का आप समझिए पॉलिटिकल टूल बन गया है और हर साल भारत सरकार थोड़ा बहुत एम बढ़ाई देती है ठीक है हो सकता है फार्मर्स को आप, को इम्प्रेस करने के लिए पॉपुलिस्ट मेजर बन चुका है एम आप एक इस तरीके से कह सकते हैं इसी कारण से एम नॉर्मली मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्मली होना क्या चाहिए कि मार्केट रेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एमएसपी कम होना चाहिए ताकि फार्मर्स अपना फूड ग्रेन मार्केट में बेचे किसी साल मार्केट रेट डिक्लाइन कर गया सब्सटेंशियली तो उस साल फार्मर्स ये इंश्योरेंस स्कीम एम एस पी का इस्तेमाल करें और एम एस पी पे बेचें लेकिन वो होता उल्टा है नॉर्मली एम एस पी मार्केट से ज़्यादा रहता है और इसीलिए फार्मर्स आँख बंद करके जा के अपना फूड ग्रेन एफ सी आई को एम एस पी पे बेच आते हैं और एफ सी आई फॉलोज नो डिनाइल पॉलिसी नो डिनाइल पॉलिसी का मतलब है कि फार्मर्स जितना फूड ग्रेन लेकर के आएंगे सब उनको खरीदना है एट एम एस पी तो यही कारण है कि एफ के पास इतना ज़्यादा बफर स्टॉक हो गया है ज़रूरत है 74 की लेकिन नो डिनाइल पॉलिसी और एम मार्केट रेट से ज़्यादा चलता है इसीलिए फार्मर्स आते हैं अपना फूड ग्रेन व्हीट राइस बेच देते हैं और एफ के पास इतना सारा बफर स्टॉक हो गया है इससे कितना नुकसान होता है ज़रा समझिए बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं एम के कारण और एक्सेसिव बफर स्टॉक के कारण जो एफ के गोडाउन में हो रहा है माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हिडन हंगर का प्रॉब्लम फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम अनसस्टेनेबली हाई फूड सब्सिडी का प्रॉब्लम ये सब हो रहा है कैसे ज़रा देखिए अभी कैसे ये एम और पी सिस्टम काम करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन का दुकान जिसको आप कहते हैं कैसे एक साथ काम करता है ज़रा देखिए ये मान लीजिए फार्मर हैं ये जाता है मंडी में और सीधा जा के अपना फूड क्रॉप राइस या वीट जा के एफ के आउटलेट में बेच आता है क्योंकि नॉर्मली इसको पता है कि एम मार्केट से ज़्यादा ही होगा सरकार ने जो एम डिसाइड किया है वो मान लीजिए पचास रुपये है तो मार्केट में इसी के फूड ग्रेन को पैंतालीस रुपये में लोग खरीद रहे होंगे एम ज़्यादा है तो ये चुपचाप से जाता है एम एस पे बेच आता है अब एफ जो है वो एम एस पे ख़रीद लेती है फूड ग्रेन को और उसका स्टॉक होल्डिंग करती है और फिर अलग अलग पी डी एस शॉप पर राशन की दुकान पर इसको पहुँचा देती है जहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है अब इसमें दिक्कत क्या है देखो वैसे तो 26 सिक्स क्रॉप्स पर भारत सरकार एम डिसाइड करती है वो बदलता रहता है कभी ट्वेंटी कभी किसी साल ट्वेंटी किसी साल ट्वेंटी लेकिन ये एफ के गोडाउन में मेनली दो ही तरह के फूड क्रॉप को प्रोक्योर करने का प्रॉपर सिस्टम है क्योंकि अलग अलग फूड क्रॉप के लिए अलग अलग वेइंग सिस्टम अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए ना वो सब क्रॉप के लिए हो नहीं पाता है तो एफ मेनली वीट और राइस ही प्रोक्योर करता है वैसे एम और भी सारे क्रॉप के लिए होते हैं लेकिन वीट और, और ही वीट और ही राइस ही प्रोक्योर करता है वो और इसी कारण से फार्मर जो होते हैं वो सिर्फ वीट और राइस ही ज़्यादातर उगाते हैं तो एफ सी आई मेनली प्रोक्योर्स राइस एंड वीट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्टेंट एंड दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो मेनली राइस एंड वीट एंड दैट लीड्स टू फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जैसे कि मान लो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको पता है कि राइस ज़्यादा ज़्यादा प्रोक्योर होता है एमएसपी पे तो वो राइस नेचुरली उगता नहीं है पंजाब हरियाणा में फिर भी वो राइस उगा लेते हैं और अनसस्टेनेबल तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि राइस के लिए तो वाटर चाहिए बहुत ज़्यादा तो पंजाब हरियाणा में नेचुरली राइस नहीं उगना चाहिए फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं राइस उगाने की जिसको हम लोग फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कह सकते हैं एंड दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ एम एस पी विच इज़ इफेक्टिवली वर्किंग फॉर राइस एंड वीट ओनली तो ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ एम एस पी फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैपनिंग इन स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट देखो एफ़ मना नहीं कर सकती है आपको पता है नो डिनाइल पॉलिसी फॉलो करती है जितना फूड ग्रेन लाएंगे फार्मर सब उसको प्रोक्योर करना है अब एफ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना सारा फूड ग्रेन को साइंटिफिक तरीके से स्टोर करके रखे अब इसी तरीके से ओपन एरिया में वो छोड़ देते हैं बारिश में भीगता है अनाज खराब होता है चूहे खा जाते हैं बिहार में तो ऐसे केसेस निकल के आए जहाँ पे एफ सी आई के गोडाउन वाले ही राइस से शराब बना बना करके बेच रहे थे क्योंकि उसमें स्टार्च होता है ना तो उसको फर्मेंट करके शराब भी बनाई जा सकती है तो शराब बना के बेच रहे थे तो वैसे भी बिहार ड्राई स्टेट है ठीक है तो सोचो मार्केट में फूड ग्रेन है नहीं और एफ सी आई के गोडाउन में फूड ग्रेन चूहे खा रहे हैं लोगों के लोग माल न्यूट्रिशन और हंगर फेस कर यहाँ चूहे खा रहे हैं अनाज को और इतना सारा एफ सी आई फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है तो बहुत ज़्यादा फिर हमें खर्च भी करना पड़ता है फूड सब्सिडी पे सो दीज आर मेनी चैलेंजेज एक्सेसिव फ़ूड वेस्टेज हो रहा है रोडेंट्स चूहे खा रहे हैं एक्सेसिव फ़ूड सब्सिडी पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है और अल्टीमेटली लोगों के पास पहुँच क्या रहा है राइस और वीट राइस और वीट में कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो होता नहीं है मल्टीविटामस तो होते नहीं हैं तो अल्टीमेटली लोगों को भी इस एमएसपी के कारण ज़्यादातर राइस और वीट मिल रहा है सस्ते दामों पे विच इज़ लीडिंग टू जस्ट कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेस विटामिन एंड प्रोटीन्स एंड दैट इज लीडिंग टू द चैलेंज ऑफ हिड हंगर हीडन हंगर वो सिचुएसन होती है जब आपको कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने पेट को ज़्यादा भर रहे हैं लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कम ले रहे हैं और एमएसपी से पीडीएस सिस्टम इंटर रिलेटेड है एमएसपी से ही फूड प्रोक्योर करके पीडीएस सिस्टम तक पहुंचता है तो पीडीएस में बहुत सारा करप्शन भी होता है आपको पता है पीडीएस दुकान वाला जो है वो लेकर के अब फूड ग्रेन को मार्केट में बेच देता है सरकार ने उसको दिया कि गरीबों को एक रुपए या दो रुपए पर के जी अनाज प्रोवाइड करो वो लेकर के चुरा करके और मार्केट में बेच देता है और गरीब लोग कहता है कि है ही नहीं अनाज खत्म हो गया सो दीज आर मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एमएसपी एंड पी डी एस सिस्टम और एक तरफ हमने एमएसपी और पी कर करके इतना सारा बफर स्टॉक कर लिया है और इतना बफर स्टॉक होने के बावजूद भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हुए हैं फिर भी क्रिटिक्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक्सपोर्ट मत करो स्टॉक बनाए रखो ये स्टॉक तो वैसे भी चूहे खा रहे हैं यार तो इससे अच्छा एक्सपोर्ट करो कुछ फॉरेक्स रिजर्व कमाओ ठीक है अभी कुछ क्या सोल्यूशन हो सकता है एम का ये एम और जो पी का ये जो साइकिल है वी साइकिल इसको ब्रेक करने का क्या उपाय हो सकता है अ बेटर मॉडल कुड भी जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं ये फार्मर है इसको अलाउ कीजिए कि आप जाओ अब सीधा सीधा प्रोडक्ट अपना फूड ग्रेन मार्केट में बेचो ओपन मार्केट में बेचो मान लो कि एम था पचास रुपये लेकिन मार्केट आपको ऑफर कर रहा है चालीस रुपये कोई बात नहीं आप चालीस रुपये में ही जा करके मार्केट में बेचो ये जो पी में जो गरीब लोग रहते हैं इनको भी कह दो कि आप जा करके सीधा सीधा फूड ग्रेन मार्केट से ही खरीदो मान लीजिए कि आपको पी डी की दुकान पर पाँच रुपये मिलता लेकिन मार्केट में पचास रुपये मिल रहा है कोई बात नहीं आप पचास रुपये में जा कर के खरीदो और भारत सरकार क्या करे इस इन पी वालों को मान लो कि पांच रुपये में फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था लेकिन मार्केट से उनको पचास रुपए में खरीदना पड़ा तो पर किलोग्राम के हिसाब से पैंतालीस रुपये इनके अकाउंट में डीबी कर दे फार्मर को चालीस रुपये में फूड ग्रेन बेचना पड़ा जबकि एमएसपी था पचास रुपये तो फार्मर को पर किलोग्राम फूड ग्रेन के लिए दस रुपये डी कर दे सो दैट कुड बी अ सोल्यूशन अ बेटर सोल्यूशन रादर देन गोइंग फॉर सच अ ह्यूज डी बी टी करके और इतना सारा बफर ना मेंटेन करें दैट कुड बी अ बेटर सॉल्यूशन रादर द गोइंग फॉर दिस अमाउंट ऑफ ह्यूज बफर और इतना बफर होने के बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में मौका मिल रहा है एक्सपोर्ट करने का तभी क्रिटिक्स कह रहे हैं नहीं नहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सपोर्ट मत करो दिस इज द टाइम वेर इंडिया शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को भी कुछ फ़ायदा होगा और ठीक है थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मार्केट में दाम बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा इतना खर्च हो रहा है थोड़ा बहुत तो और खर्च होगा लेकिन इट्स बेटर कि अभी वक्त मिला है फार्मर्स को कुछ और पैसा कमाने लें दो बाई एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट इन द फॉर मार्केट द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सब मरीन वाक्सर दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट ये डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है पी सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट टू थाउजेंड फोर फाइव के आसपास स्टार्ट किया गया था इसका मेन पर्पस है कि एक स्कॉर्पिन क्लास डीजल अटैक सबमरीन बनाए जैसे सबमरीन क्या होता है आप तो समझते हैं पंडुबी जो पानी के नीचे चला जाए ठीक है और फिर सही मौके का इंतजार करके अटैक करे तो एक स्कॉर्पिन क्लास एक स्पेशल तरह की सबमरीन होती है जो डीजल पे चलती है डीजल से चलने वाली सबमरीन वो पानी के नीचे जाएगा और सही वक्त का वो सर्विलेंस करता रहता है और सही वक्त पे वो अटैक भी कर सकता है तो ये जो P75 के अंतर्गत छः सिक्स स्कॉर्पियन क्लास डीजल अटैक सबमरीन बनाए जाने थे और ये जो P75 प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दैट हैज़ बीन रन विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम डी सी एन एस विच इज़ ए कंपनी ऑफ फ्रांस तो पी के अंतर्गत तो पाँच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए जा रहे हैं उनका नाम है आईएनएस एन आईएनएस कांदेरी आईएनएस एन एस करांच आई वेला आईएनएस एन वागसीर एंड आईएनएस वागीर एंड आईएनएस एन वागसीर अब न्यूज़ ये है कि छः में से चार तो आईएनएस एन एस कालावारी आई कांदेरी आईएनएस एन करांच और आईएनएस वेला ये पूरी तरह से बन के तैयार भी हो गए हैं इनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है सी ट्रायल और इंडियन नेवी ने इनको कमीशन भी कर लिया है जबकि ये आई वागीर जो है ये बन के तैयार हो चुका है इसका सी ट्रायल्स चल रहा है और ये जो आई एन एस वागीर का सी ट्रायल चल रहा है आई एन एस वागसीिर जो छठा स्कॉर्पिन क्लास डीजल सबमरीन है इसका प्रोडक्शन काफ़ी टाइम तक डिले हो गया था बिकॉज ऑफ पैंडमिक लेकिन अब न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि आई एन एस वागसीर भी बन कर के तैयार हो चुका है और इसी के साथ ही पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट के छः के छः सबमरीन बन कर के तैयार हो चुके हैं आई एन वागसीर को भी अब सी ट्रायल के लिए भेज दिया गया है उम्मीद है कि 12 से 18 महीने बाद आई एन वागसीर भी इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा वागसीर ये जो नाम रखा गया आई एन वागसीर इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ स्पेशल काइंड ऑफ़ फिश सैंड फिश विच इज़ अ लार्ज प्रिडेटर ऑफ द इंडियन ओसन तो काफ़ी बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को खाती है अब ये जो P75 प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत ये जो छः सबमरीन बनाए गए हैं कभी भी मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर पे सवाल आ जाए तो इन P75 प्रोजेक्ट और छः सबमरीन्स का आप नाम लिख सकते हैं इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एटम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिविल सर्विसेज डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जी एस पे पुत्र इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो आज का दिन इक्कीस अप्रैल हमारे देश में सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाया जाता है क्या इसकी हिस्ट्री रही है क्यों इक्कीस अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाते हैं वो भी जरा देखते हैं आज ही के दिन हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आई प्रोबेशनर्स को यानी कि नए आई ऑफिसर्स को एड्रेस किया था एट मेटक ऑफ हाउस इन न्यू दिल्ली इन 1947 तो नाइनटीन 19, अप्रैल 1947 को मेटक ऑफ हाउस न्यू दिल्ली में नए प्रोबेशनरी आई एस ऑफिसर से वो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दी सिविल सर्वेंट्स और यू सिविल सर्वेंट्स आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये जो फंक्शन ये इक्कीस अप्रैल को हुआ था अभी देखिए उन्नीस को ये बात हुई लेकिन तब से सिविल सर्विसेज़ डे नहीं मनाया जा रहा है सिविल सर्विसेज डे मनाना शुरू किया गया 2006 से जब विज्ञान भवन में दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में पहली बार एक फंक्शन रखा गया जिस दिन फैसला लिया गया कि आज से 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विसेज डे की तरह मनाएंगे क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार आई ए प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था इस दिन प्रधानमंत्री अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस देते हैं टू तो सिविल सर्वेंट्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 2006 से मनाया जा रहा है सिविल सर्विसेज डे और सिविल दिन प्रधानमंत्री सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड देते हैं इस टॉपिक पेपर प्रैक्टिस प्लीज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ने आर्ट के अबाउट मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर्स इन असम डिस्टॉपिक इमार्टेंटर आर सिलेलेबस जीएसपेर टू गवर्नर पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस जीएसपेपर फाइव असम इस तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हम भारत सरकार की एक स्कीम समझते हैं आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आई सी में स्टार्ट किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आई नाम से आप देख रहे हो इसका मेन पर्पस है कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन और न्यूली बॉर्न चिल्ड्रेन एज वेल एज एडोलेसेंट गर्ल्स के हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए तो इसमें फोकस रहता है जीरो से छः साल के बच्चों के हेल्थ स्टेटस पे उसके अलावा उनकी बेसिक एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे ध्यान रहता है जीरो से छ साल के बच्चे उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ का ध्यान दिया जाता है और ये सब कुछ किया जाता है आई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स तो अलग अलग रूरल एरियाज़ में आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं आईसीडीएस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी आसाम के अंदर पिछले साल नवंबर 2021 में आसाम सरकार ने फैसला लिया कि हम लोग असाम के अंदर कम से कम हज़ार मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाएंगे मतलब बेहतरीन जहां पर सारे के सारे फैसिलिटीज़ बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराए जाएं ऐसे हज़ार आंगनवाड़ी सेंटर्स हम बनाएंगे हर एक आंगनवाड़ी सेंटर पे 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे दैट वाज दैट डिसीजन टेकन बाय असम गवर्नमेंट लास्ट ईयर और इसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज है करंट न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि चूंकि असम सरकार ने फैसला लिया कि हजार है कि हज़ार मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर्स बनाने हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि मोगलदाई के एम दिलीप सैकिया इज़ एंगेज इन स्टार्टिंग मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर एट पथरी घाट विलेज अंडर सीपाझार इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन दरंग डिस्ट्रिक्ट अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई दिलीप सकिया साहब एक जगह गए हैं मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर स्टार्ट करने आपको ये जानना है कि आई होता क्या है उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या होते हैं और आसाम सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है हजार मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स डेवलप करने का वो जानना है द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पर्यटन संजीवनी स्कीम दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस एस पेपर फाइव असाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो आसाम सरकार ने असम के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए थे 2020 में पर्यटन संजीवनी स्कीम पर्यटन संजीवनी दे शुड बी संजीवनी यहाँ जे मिसिंग है मैं इसको ठीक कर दूंगा पर्यटन संजीवनी स्कीम में कैसा है एक लाख से लेकर के बीस लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा लोकल यूथ्स को असम के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो टूरिज़्म सेक्टर में कोई नए इनिशिएटिव्स को ले सकें इसके अलावा पर्यटन सारथी पर्यटन सारथी स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गैजेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टूरिस्ट गाइड्स को इलेक्ट्रिक गैजेट्स जैसे कि उनको इलेक्ट्रिक वॉचेस दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए जा सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टूरिस्ट गाइड्स को आसाम के अंदर ताकि वो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को और इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएँ उसके अलावा पुण्य धाम स्कीम पुण्य धाम स्कीम में कैसा है कि ए की लग्जरी बसेस चलाई जाएंगी हमारे स्टेट के 50 से पैंसठ साल के उम्र के लोगों को अलग अलग पिलग्रिम प्लेसेस पे पहुंचाने के लिए पुण्यधाम स्कीम ए के बसेस चलाई जाएंगी 50 से पैंसठ साल की उम्र के लोगों के लिए अलग अलग पिलग्रिम स्टेशन पे जगह लोकेशंस पे पहुंचाने के लिए तो ये तीन स्कीम है पर्यटन संजीवनी पर्यटन सारथी एंड पुण्यधाम स्कीम ये याद रखना 2020 में सरकार ने स्टार्ट किया था इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है ये जो पर्यटन संजीवनी स्कीम है इसके अंतर्गत हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने दो इनिशिएटिव लिए हैं एक तो एक गेस्ट हाउस कम यात्री निवास डेवलप किया जा रहा है अमीन गांव उसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले डाउन किया है उसके अलावा सराय घेट घाट लेख को डेवलप किया जा रहा है अंडर दिस पर्यटन संजीवनी स्कीम तो ये याद रखना कभी भी पूछ ले कि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए तो तीनों लिख देना और फिर लिख देना रिसेंटली अंडर पर्यटन संजीवनी स्कीम दीज टू हैव टेकन इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज प्रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द तो कमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट गलत हैं सेडूल सेवन के हिसाब से पब्लिक ऑर्डर इज मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट एंड नैशनल सिक्योरिटी इज मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट तो बहुत स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी दट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग